बापूजी, हम आपसे एक अवश्य बात करने आए हैं। अब भागिन कहीं की? दूर हो जा हमारी दृष्टि से, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम फिर आ गए, दुष्ट। महाराज, बड़ी महारानी ने कहा है कि आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, इसीलिए गर्म पानी से आपका। पहले इसे मेरी दृष्टि से दूर करो। ले जाओ मेरे सामने से इसको। तू आ गई तू तू करने रानी इंदुमती। भेज दे इस अब भागिन को मेरे पास। ले जाओ इसे। इस उद्दंड अभागी ने तो जैसे हमें चैन से न जीने देने की कसम खा रखी है। अरे, इतनी बार मना किया इसे कि यहां मत आया कर, परंतु तुम लोग जाओ यहां से। तुरंत साफ कर इसे और निकल यहां से। इसके बाद मुझे यहां नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। दासी के लिए इतना। अब नाटक समाप्त कीजिए राजकुमारी शोभना। जी जी, कल हम आपके कक्ष में गए थे और हमने उसको देखते ही पहचान लिया कि वो राजकुमारी हो ही नहीं सकती। तब से हम आपका साया की तरह पीछा कर रहे हैं। सह नहीं होगा। हम अभी काकाशी से जाकर कह देंगे कि हमारी राजकुमारी के साथ। नहीं राजकुमार, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आपके साथ ऐसा कठोर दुर्व्यवहार करे आप सह लेंगे, परंतु हम नहीं सह सकते। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है राजकुमार। और क्या, मेरे साथ कोई और ऐसा करे तो। मित्र है ना? हाँ, मित्र तो है। अपने मित्र की बात नहीं मानेंगे? मानेंगे, परंतु 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 कुछ नहीं, आप किसी से भी नहीं बताएंगे। अच्छा बताइए, अगर हमारे धक्के से आप गिर जाते और आपको चोट लगती तो आप काकाश्री से हमारी शिकायत करते? नहीं, आप तो हमारे मित्र हैं। वो हमारे बापूजी हैं और नई बा है। वचन दीजिए कि आप किसी से भी नहीं कहेंगे। मैं वचन देता हूँ। क्षमा करें राजकुमार, हमें एक आवश्यक काम से जाना होगा। परंतु ऐसी दशा में? हमें जाना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बस बस हो गया।
महारानी आपको पता है ना कि सम्राट हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलते हैं। प्रणाम काकाश्री। प्रणाम रानी बा। अरे चागली, चागली आपके पाँव में क्या हुआ? क्या हुआ चागली? रानी बा, बस खेलते खेलते थोड़ी सी चोट लग गई। ये तो ठीक हो जाएगी। आप रुकिए, हम अभी आपके लिए मलहम मंगवाते हैं। हेमा, मलहम लेकर आओ जल्दी। काकाश्री, हम आपसे एक आवश्यक बात करने आए हैं। अभी नहीं चागली, और आप अपना ख्याल रखा करो। राज वैद्य को अपनी चोट दिखा देना। पर काकाश्री, बात सम्राट हमारी प्रतीक्षा करें, हमें जाना बहुत जरूरी है। भोजन के समय रानी बा को बता देना जो भी बताना है। भोजन के समय पर काकाश्री, बात अपनी रानी बा को बता दो। क्या बात है बेटे? रानी बा, वो हम तुम जाओ, चलो मेरे साथ बैठो। देना मुझे अपना पैर। ओ मेरी बच्ची, अब बता क्या बात है? रानी बा, बात बहुत गंभीर है। कोई शत्रु सम्राट पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अच्छा, कौन शत्रु? ये तो हमें नहीं पता, परंतु कोई है अवश्य। लगता है चागली ने आज फिर कोई नया सपना देखा है। रानी बा, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? है ना, जरूर है विश्वास। ये तो सचमुच बहुत गंभीर बात है, परंतु हमारी चागली के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं। हमारी वीरांगना बेटी शत्रु की किसी भी योजना को कभी सफल नहीं होने देगी, है ना? ठीक है रानी बा, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। भगवान सोमनाथ, आपकी शोभना को बहुत काम है। भरूच के शत्रु से निपटने का दायित्व रानी बा ने हमें दिया है। हे सोमनाथ, अपनी शोभा की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे ना? हमें इन शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने की शक्ति के साथ साथ इस धरती माँ के हर शत्रुओं को पराजित करने की सद्बुद्धि भी दीजिए। हे भगवान, ये क्या नर्क कर दिया तुमने? पूजा की सामग्री का अपमान? अपमान का इंदु बहन, हर शुभ कार्य का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता। हमने तुम्हारे शुभ कार्य के लिए ये कार्य अपनी तलवार से कर दिया। परंतु इंदु बहन, बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाते हो। ये बताओ कि हमारी तलवार का वार कैसा रहा? भानुमान, दद्दा चालुक्य की तलवार के समक्ष बड़े बड़े योद्धा। हाँ। अभी उसका सामना भानुमान से नहीं। भरूच का राजा बन गया है ना, और प्रजा तो अपने राजा की छोटी छोटी बातों पर जय जयकार करने लगती है, परंतु उसकी ये जय जयकार अब केवल दो दिन रहेगी, क्योंकि दो दिन पश्चात हम अपनी इसी तलवार के माध्यम से तुम्हें भरूच की महारानी बना देंगे। महारानी जी, यदि सही अवसर मिल जाए तो रानी गायत्री को वहीं ठिकाने लगा देंगे, और आपके रास्ते का अंतिम सबसे बड़ा कांटा भी काट के फेंक देंगे। हे सोमनाथ, कौन थे वो लोग? रानी बा को क्यों मारना चाह रहे हैं? कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा
काशी जाओ, शीघ्र चपला को बुलाकर लाओ। हम उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। चिंता क्यों करती हो बेन? भानुमान की योजना शत प्रतिशत सफल होती है। बस यही सपने दिखाते रहो तुम। अब तो मुझे इन सपनों से भी भय लगने लगा है। भयभीत न हो बेन, भाई योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारी योजना अवश्य सफल। नहीं भानुमान, मुझे तो भरूच की महारानी बनने का स्वप्न भी इसी नारियल की तरह टुकड़े टुकड़े होता दिखाई दे रहा है। मैंने तो यही सपना सजाए भरूच के युवराज के साथ ब्याह रचाया था। वह दिन मैं भला कैसे भूल सकती हूँ जब स्वर्गीय पिता महाराज हमारे घर बता रहे थे। भृगु कक्षा के जनप्रिय सम्राट ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज किरीट का संबंध हमारी पुत्री इंदुमती के साथ स्वीकार करके हमें धन्य कर दिया है। नहीं पहनी इंदुमती को ऐसे आभूषण जिन पर किसी और का सिंदूरी झूठन लगा हो। ले जाओ इन्हें यहाँ से। इंदुमती, क्या हो गया है तुम्हें? बाहर भरूच के सम्राट स्वयं चलकर अपने युवराज के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्यों अनर्थ करने पर तुली है बेटी? अनर्थ तो आप सब मेरे साथ कर रहे हैं, केवल इस भ्रम में कि मेरा विवाह एक सम्राट के पुत्र के साथ हो रहा है। नहीं, यही सत्य है बेटी। नहीं माँ साहिबा, सत्य ये है कि उन्हें एक ऐसी दासी की आवश्यकता है जो उनके पुत्र की सेवा और गुलामी कर सके। जो तुम सोच रही हो बेटी वो हम सबकी सोच नहीं हो सकती। भूल जाए युवराज किरीट की पहली पत्नी और उसकी अभागिन बेटी शोभना को। देख, स्वयं को देख। देख बेटी, हम सबने बहुत विचार विमर्श के पश्चात भरूच के महाराज को अपनी सहमति दी है। जब दो राजघरानों में वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं तो ये कोई साधारण विवाह नहीं होता, बल्कि दो राज्यों का गठबंधन होता है। देखो बेटी, हम तो छोटे राज्य के स्वामी हैं और प्रभु कक्षा बड़ा राज्य है। राजकुमार किरीट भले ही विधुर हो, एक बच्चे के पिता हूं, परंतु हैं तो भृगु कक्षा के युवराज। आज नहीं तो कल वो सम्राट होंगे और हमारी इंदुमती होगी भरूच की महारानी। जीती रहो बेटी। ये बहुमूल्य चंद्रहार भरूच राजवंश का ऐसा अलौकिक आभूषण है जो पीढ़ियों से हमारी महारानियों के गले की शोभा बना रहा। लो बेटी, इसे तुम स्वयं पहन लो। बात है बेटी, हमारा उपहार पसंद नहीं आया? नहीं महाराज, हमारी बेटी आपके आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे कर सकती है? परंतु परंतु क्या? वो क्या है महाराज कि हमारी बेटी ने बचपन से ही बड़े साम्राज्य की महारानी बनने का सपना देखा है।
और जब आपके राजघराने से संबंध आया तो हम सबको लगा कि हमारी बेटी का सपना सच हुआ। शायद इस अमूल्य उपहार को स्वीकार करने से पहले आपसे यही वचन चाहती है। आज तुम कुछ और भी मांग लेती बेटी, वो भी तुम्हें मिल जाता। हम क्षत्रिय प्राण दे सकते हैं पर वचन नहीं भूलते। युवराज किरीट के विवाह के एक मास बाद हम इनका राज तिलक कर देंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि भाग्या हमारे सपनों और हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की तैयारी कर चुका है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अतीत को याद रखोगी तो अंदर ही अंदर हर पल पीड़ित रहोगी। नियति तो ऐसे खेल खेला ही करती है। हमारे जीजाश्री के पिता महाराज ने तुम्हारे विवाह के तीसरे महीने में उनके राज तिलक की घोषणा कर दी थी। परंतु राज तिलक तो दद्दा चालुक्य का हो गया ना, और मैं आज तक भाग्य की ठोकरें खा रही हूँ। जिससे कांसन पर हमें आसन होना चाहिए था, वहां पर हमारी देवरानी कुंडली मारे बैठी है। उस दिन पिता महाराज तो गुजरात के सम्राट के पास। ये पत्र अत्यंत गोपनीय है। हम आशा करते हैं आप शीघ्र से देवपट्टनम पहुंचकर सम्राट को सौंप देंगे। अवश्य पिता महाराज, आप निश्चिंत रहे। गायत्री, क्या बात है? नहीं, वो संकोच मत कीजिए, कहिए क्या बात है। 3 महीने पूर्व हमने भगवान भोलेनाथ की उपासना का कठोर संकल्प लिया था, जिसकी कल पूर्णा होती है और जिसके लिए इनका होना अति आवश्यक है। और यदि ये ना आए तो मेरा संकल्प संपूर्ण नहीं होगा। पिता महाराज, रानी गायत्री को अपनी पूजा में हमारे अनुज दत्ता की आवश्यकता होगी। यदि आपकी अनुमति हो तो ये पत्र देवपट्टन मैं ले जाऊं। तुम दोनों भाइयों का अटूट प्रेम देखकर मेरा मन गदगद हो उठता है। उस कृपा निधान की असीम कृपा है जो तुम जैसे पुत्र प्राप्त हुए मुझे। जाइए किरण, देवपट्टन जाने की तैयारी कीजिए। जो आ गया पिता महाराज। साथ निभाने का दम भरने वाले साथ चल भी नहीं सकते। मैंने महारानी बनने का सपना लिए, तुम्हारे जीजाश्री की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया, शोभना पर भी अपनी ममत लुटाती रही, केवल इस आशा में कि मैं एक दिन महारानी अवश्य बनूंगी। किंतु भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि जिसे राजा बनना चाहिए था वो अपाहिज होकर शैया पर लेटा है, और मैं उस अपशगुनी की दाइमा बन के रह गई। और स्वर्गीय पिता महाराज दद्दा चालुक्य को राजपाट देकर वन को चले गए। रोने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता।
हमें मालूम है स्वर्गीय पिता महाराज ने बहुत भारी भूल की थी। हाँ बहन, हम सत्य कह रहे हैं, उनकी उसी भयंकर भूल के कारण तुम्हें ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। दुर्घटना तो दुर्घटना होती है भानुमान, यदि तुम्हारे जीजा जी अपंग। नहीं बहन, शारीरिक दोष इतना महत्व नहीं रखता। जरा सोचो, यदि ऐसा होता तो नेत्रहीन धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान हो सकते थे, तो भला हमारे जीजा श्री भृगुकक्ष के राजा क्यों नहीं बन सकते थे? परंतु तुम विचलित ना हो, पिता महाराज ने जो भूल की उनकी उसी भूल का हम लाभ उठाएंगे। देखना बहन, तुम्हारा ये भाई भानुमान ऐसी चाल चलेगा। नहीं भानुमान, तुम्हारी इस योजना से मेरा मन कांप रहा है। उसे मैं संकोचवश कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब अगर तुम्हारी योजना किसी कारण धराशायी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। हिंदू बहन, हनुमान की हट के समक्ष दुर्भाग्य भी अपना मार्ग बदल देता है। हनुमान भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य भानुमान के भरोसे रहता है। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण ही हम आज तक अपनी हर चाल में सफल होते आए हैं और भविष्य में भी होंगे। जीजा श्री भृगुकक्षा की राजगद्दी पर अवश्य बैठेंगे और तुम बनोगी भरूच की महारानी। बस अब तुम राजतिलक की तैयारियां करो, अपने इस मुखमंडल से ये उदासीनता दूर करो, अपनी दासियों को बुलवाकर अपना श्रृंगार करवाओ। षड्यंत्रकारों के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। चपला, तुम शीघ्र राजकुमार भीमदेव को हमारा संदेश दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी जी, हमें अपनी योजना राजकुमार भीमदेव को नहीं बतानी चाहिए, वो बहुत घमंडी और। नहीं चपला, वो भी हमारे अच्छे मित्र बन गए हैं। उनकी सहायता से हम इन षड्यंत्रकारों को ऐसा पाठ पढ़ेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। Oh, oh, oh.